पैंतीस 370 की बात या 35A की बात की जाए, तो उसके बाद आपको लग रहा है कि आप जो मांग कर रहे हैं वो पूरी कर देंगे नरेंद्र मोदी? देखिए, अगर इंसाफ पर बादशाह होगा सामने को तो दोनों बात को सुनेगा ना, इंसाफ पर बादशाह दोनों बात को सुनेगा। अगर धारा 370 के में जो राष्ट्रपति आदेश के जरिए जो बंदिश लगाई गई थी उससे अगर 1.5 करोड़ कश्मीरियों को नुकसान हुआ है, तो धारा 341 पर जो बंदिश लगाई गई 1950 में नेहरू सरकार के ज़माने में, उसके चलते इस देश के 14% मुसलमानों को नुकसान हुआ है, अब वो भी मेन स्ट्रीम से कट के अलग हो गए। जैसे धारा 347 में बंदिश के चलते, राष्ट्रपति आदेश के चलते 1.5 करोड़ जो है वहाँ की आबादी मेन स्ट्रीम से कट गई, अलगावाद की शिकार हो गई जैसा ये कहते हैं, तो हमारे यहाँ भी जो है तो 14% लोग मेन स्ट्रीम से कट गए और संप्रदायवाद के शिकार हो गए हैं। तो ये भी होना चाहिए कि अगर वो एक भूल को दुरुस्त करते हैं तो ये भी एक भूल है, इसको भी दुरुस्त करना पड़ेगा। एक इंसाफ और राजा का मुसलमान उनसे आग्रह करेंगे इस बात को लेकर, हम जो इस बात को कह रहे हैं तो हम भी देश के मुसलमान के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, और हम वो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो हम अपने बड़े भाइयों से टकरा के नहीं चलना चाहते हैं। अभी देश में जो भी मुसलमानों की नेतृत्व चल रही है वो सिर्फ टकराव की सियासत करती है, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे बुखारी हो या आलम खान हो, ये लोग सिर्फ टकराव की सियासत करते हैं। ये भी चार परिवार है जो देश के इस हिस्से में हुकूमत चला रहा है, लेकिन इन लोगों ने कभी ये सवाल को उठाया कि दफ़ा 341 कहते हैं, धारा 341 में जो बंदिश लगी हुई है उससे इस मुल्क के दलित मुसलमान मार खा रहे हैं, ये कभी सवाल क्यों उठाया? सिर्फ खाली हुकूमत बने रहे। जाएंगे मिलेंगे इस मामले पे। ईद है जी, थोड़ा सा नीचे माइक रखो भाई, सब लोग। पूरे देश में बकरीद मनाई जा रही है और 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी आज बकरीद मनाई जा रही है, किस तरह देखते हैं? देखिए, आपको बात एक साफ कह दें, ये बकरीद त्यौहार जो है इसमें हम बकरा खरीद के ज़बह करते हैं और उसके मीट को तीन हिस्से में बांटते हैं। माइक नीचे कीजिए भाई अपने। एक मीट, एक हिस्सा तो हम गरीबों को देते हैं, एक हिस्सा अपने पड़ोसियों और भाइयों को, दोस्तों को देते हैं, उनके लिए रखते हैं, और एक हिस्सा जो है वो हम अपने सेल्फ इस्तेमाल के लिए रखते हैं। तो इस त्यौहार का ये संदेश है कि जो लोग साहिब हैसियत हैं उनको चाहिए कि अपने धन दौलत, अपनी ख्वाहिशात और अपनी जो तमन्नाएं हैं उसका भी त्याग देना चाहिए। जब भी त्याग की भावना रहेगी तो जितने ये प्रॉब्लम्स आज क्रिएट हो रहे हैं देश में क्रिएट हो रहे हैं, इसके बजाय कर आपसी टकराव के बजाय कर इसका समाधान निकल सकता। आपने जो तस्करा किया है धारा 370 का, 35 का, और जो प्रॉब्लम्स इस वक्त देश में जो लगता है कि सुधार की तरफ ले जाया जा रहा है, तो हम इस मामले में बिल्कुल साफ हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में तीन परिवार का हमेशा राज चलता रहा, लेकिन एक बड़ी आबादी जो 1.5 करोड़ आबादी जो सरकार कह रही है वो हमेशा शोषण की शिकार रही है। अगर वहाँ आशिकारा का सहारा नहीं होता, या जो बाग हैं उसमें जो मजदूरी का सहारा नहीं होता, या जो मकानात बनते हैं, जो डेवलपमेंट काम, उसका सहारा नहीं होता, तो पता नहीं वहाँ के लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजारते। राजे और जवान की ज़िंदगी तो आसानी से गुजर रही थी। हिंदुस्तान की सरकार से ये इल्ज़ाम नहीं डाला जा सकता है कि उसने जम्मू एंड कश्मीर को कभी पैकेज देने में कमी की है। आखिर ये पैसे गए कहाँ? तीन राजे रजवाओं ने अपने भ्रष्टाचार में इस्तेमाल कर लिया, इससे इनकार नहीं किया सकता है। तब ये है कि अगर ये धारा 370 में सुधार हुआ या 35A में जो सुधार हुआ, ये ख़त्म करने की बात हो रहेगी, अगर इससे समाज के 1.5 करोड़ आबादी को अगर शैक्षिक एतबार से फ़ायदा होता है, आर्थिक एतबार से फ़ायदा होता है, सामाजिक एतबार से फ़ायदा होता है, तो इसको हटा देने में कोई बुराई नहीं है। अगर ये सोच के सरकार हटाती है तो बहुत अच्छा करती है। लेकिन सरकार से हम ये अर्ज़ करेंगे कि सिर्फ आप 1.5 करोड़ लोगों को ही क्यों देख रहे हैं? देश इतना बड़ा है और हम लोगों ने जिस तहरीक को उठाया है, तो मेरी भी शिकायत ये है कि संविधान की धारा 341 पर जो राष्ट्रपति आदेश के जरिए बंदिश लगाई गई, जैसे 370 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति आदेश के जरिए ही ये कारनामे अंजाम दिए गए, तो उसी तरह से एक भूल इधर भी हुई है, और संविधान की धारा 341 बंदिश लगाकर इस देश के 14 करोड़ अल्पसंख्यकों को अपने बुनियादी हक से अलग किया, जिसके चलते वो शैक्षिक एतबार से, आर्थिक एतबार से, सामाजिक एतबार से पीछे चले गए और मेन स्ट्रीम से कट गए, आज वोट का एक टोकरा बन गए हैं जिनका इस्तेमाल होता है सिर्फ वोट के। जो बात आप कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी भी इस बात को कहते हैं कि वोट का टोकरा। देखिए, हम तो ये मानते हैं कि सरकार ने जो कदम उठाया है ये उचित है, दुरुस्त है। एक समझिए कि एक तरह से
70 सालों को जो कूढ़ लगा हुआ था देश में उसको उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की है। लेकिन हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि सिर्फ एक वही भूल आज़ादी के वक्त या नेहरू गवर्नमेंट के जरिए नहीं हुई थी, एक भूल ये भी हुई है कि संविधान की धारा 341 पर राष्ट्रपति आदेश के जरिए बंदिश लगाई गई थी, ये भी एक बड़ी भूल थी। अगर उस भूल से 1.5 करोड़ कश्मीरियों को नुकसान हुआ है तो इस भूल से 14% या 14 करोड़ अल्पसंख्यकों इस देश के इस भाग में नुकसान हुआ है जो देश के कोने कोने में फैले हुए हैं, तो इनको भी हक मिलना चाहिए ना, दोनों का फैसला एक साथ हो। हम उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी एक इंसाफ और राजा की हैसियत से अपना रोल निभाएंगे और जिस तरह से उन्होंने 370 से में सुधार किया है उसी तरह से धारा 340 में सुधार करेंगे ताकि लोगों को लगे कि हमें इंसाफ मिला। आप नरेंद्र मोदी से मिलेंगे इसको लेकर? क्यों नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर लोग ये समझते हैं, देखिए हमने पहले ही बताया कि हम टकराव की सियासत नहीं करना चाहते। आप मिलेंगे? हम मिलेंगे, अपनी बात को रखेंगे। आखिर हमने 70 बरस में एक पार्टी के खिलाफ मुखालफत करके क्या पाया है इस देश में, सिवाय बदनामी और बर्जलाइज होने के अलावा हाशिए पर चले जाने का क्या पाया हमने? सारी लड़ाई तो हमारे जो नेतृत्व के लोग थे वो तो हारते ही चले गए, चाहे अलीगढ़ का मामला हो, चाहे शाहबानू का मामला हो, चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो, या 3 तलाक का मामला हो, या 370 का मामला हो, ये सारा तो ये लोग हारे, लेकिन इस देश के मुसलमान तो हाशिए पर चला गया, तो इसका भी ख्याल रखना जरूरी है। बकरीद की नमाज अदा की है सारे ये गंगा जमुनी तहजीबी है, खास के आप लोगों का सपोर्ट और यहाँ के यहाँ बिहार सरकार का जो सपोर्ट मिला, मैं उसके तहजीब शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास के इस बकरीद के मौके पे और हमारे नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने 4 चांद लगाए 370 धारा हटा के और 3 तलाक को हटा करके, ये एक बहुत ही बहादुरी वाला काम किया है जिससे मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि ऐसा प्रधानमंत्री बहादुर प्रधानमंत्री पूरे देश को नसीब हो। ये बहुत दिन के बाद ऐसा, ये पहली बार है कि ऐसा बहादुर प्रधानमंत्री देश को नसीब हुआ है। क्या कुछ कहेंगे जितने बंदिशें जम्मू और कश्मीर में थी, अब वो बंदिशें वो खत्म हो गया, मैं प्लॉट जाकर खरीद रहा हूँ जम्मू में, मैं मुझे इरादा है वहाँ प्लॉट खरीदने का, वहाँ रहने का मुझे। मैं तो उस दिन रात भर इतना खुश हुआ कि मैं सो नहीं पाया कि मैं कल मैं कश्मीर जाके मैं बसूंगा। तो यही तो मैं अमित शाह को बार-बार दूंगा कि मुझे प्लॉट खरीदने का उन्होंने मुझे एक सुनहरा ख्वाब को उन्होंने पूरा कर दिया। इमाम गजाली वक्फ बोर्ड सेक्रेटरी शेखपुरा जिला। ये हर्षोल्लास से हम बकरीद की नमाज यहाँ अदा कर रहे हैं। ये साल में एक बार आता है ईद के बाद, दो महीने 10 दिन के बाद में। यहाँ इस आयोजन में हमारी जो कमेटी है ईदन कमेटी गांधी मैदान पूरा सहयोग देती है, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे भी सरकारी जितने भी अदारे हैं वो अदारे हमें इस प्रोग्राम के आयोजन में सहयोग देते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर माइक पर उन सारे लोगों को ईद की मुबारकबाद देते हुए उनका शुक्रिया भी अदा किया। आशा है कि हमें आगे भी वो इसी तरह का सहयोग देते रहेंगे। साथ ही हमें आज इस पर्व के साथ साथ दोहरी खुशी इस बात की है कि 2 दिनों के बाद हम अपना राष्ट्रीय पर्व इंडिपेंडेंस डे यौमे आज़ादी भी मनाने जा रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह हम इसी जगह आकर के हम अपना वो पर्व भी मनाएंगे। पीएम मोदी ने कहा था कि सबका साथ नहीं लिया जा रहा है, अगर ईमानदारी से सबका साथ लिया जाए तो ही इज ए ग्रेट मैन, अगर ईमानदारी से सबका साथ लिया जाए तो और विश्वास प्राप्त किया जाए तो 370 नहीं, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा। आज बकरीद का दिन है और कश्मीर के भाई लोग भी ईद मना रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? वो एहकाम इलाही है, वो खुदा का हुक्म है और खुदा के हुक्म से ही हम यहाँ पर भी सर झुकाने के लिए आए हुए हैं, तो खुशी खुशी उनको वो त्यौहार मनाना चाहिए। आने वाले दिनों में इंडिपेंडेंस डे भी, चूँकि वो भी हमारा भारतवर्ष का एक अंग है, कश्मीर भी भारतवर्ष का ही अंग है हमारा, और उसको भी हम लोग मनाएंगे। पटना में है तो पटना में मनाएंगे, कश्मीर में है तो कश्मीर में। पूरा नाम सर क्या? महमूद आलम, मैं ईदैन कमेटी का अध्यक्ष हूँ।